आप सभी लोगों के लिए आज की रात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिंसियर तरीके से तैयारी करी थी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 की। आप सभी लोगों को भी उसी दिन का इंतजार था कि आप लोगों का रिजल्ट कभी आने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या कल रिजल्ट आने वाला है। तो देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो एक दो दिन डिले हो सकता है, बट अगर देखा जाए तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल रात तक डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मेरी तरह ही जिनको इस वक्त आज की रात थोड़ी कम नींद आने वाली है, थोड़ा सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, और बॉर्डर लाइन पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी उस पोजीशन में थी 2019 दिसंबर का पेपर जब देके आई थी। तो आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जब मैं पेपर देके आई थी। जिस दिन मैं अपना पेपर देके आई थी मैं बहुत ही ज़्यादा अनश्योर थी। जिस दिन मैंने अपनी आंसर की मैच करी तो मुझे समझ में आया कि मैं बॉर्डर लाइन पर हूँ। पिछले साल नेट की जितनी कट ऑफ गई थी, JRF की कितनी कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर लाइन पर स्कोर कर रही थी। और मेरे पास में भी उतना कुछ खास गाइडेंस उस टाइम पे था नहीं, और ऐसा कुछ नहीं था, बस एक टेस्ट सीरीज थी जो मैंने ज्वाइन करी थी, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी UGC नेट के लिए कुछ करना है। और कंप्यूटर साइंस स्पेशली कोई पढ़ाता भी नहीं था, इसलिए मैंने UGC नेट के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का डिसीजन ले लिया था। बट उस दिन मैं जानती हूँ कि आप सभी लोगों के साथ में क्या बीत रहे, मेरे साथ में भी सेम सिचुएशन थी, सेम हालात थे। समझ में नहीं आ रहा था कि नेट होगा कि नहीं होगा, मतलब नेट के लिए मैं फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, बट JRF होगा कि नहीं होगा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और जितने भी YouTube पर वीडियो थे कट ऑफ से रिलेटेड सारे वीडियो देख डाले थे, जितने भी assumptions थे, जितने भी टीचर्स थे, जितने भी YouTube वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स थे, सबसे मैंने सुना भाई कि उनको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी। कुछ के कमेंट सेक्शन में जाके भी लिखा कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा इतना स्कोर हो रहा है, क्या मैं बॉर्डर लाइन पर आऊँगी नहीं आऊँगी, ये सब चीज़ें हुई। और मुझे अच्छे से याद है 30 दिसंबर का ये दिन था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, और 31 दिसंबर को दिन में 3 बजे के आसपास जो है वो मेरा रिजल्ट आया था। तो मैं जानती हूँ, और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ इस समय रात के, क्योंकि मुझे पता है जैसे आपको नहीं आ रही, मुझे भी डेफिनेटली नींद नहीं आने वाली है, और बहुत कुछ है जो दिमाग में इस वक्त आप लोगों के भी चल रहा होगा। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डजेंट मैटर कि कल आपका रिजल्ट जो भी आए, ठीक है, कुछ भी रिजल्ट आए, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा है या रिजल्ट आपका बुरा है, अगर आज की रात आपके लिए एक ऐसी रात है जहाँ पर आपको सोचना पड़ जा रहा है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मैंने कितनी मेहनत की, क्या मैंने सही तरीके से तैयारी करी, क्या मैंने सही तरीके से तैयारी नहीं करी, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए आप विनर हो। पहली चीज़ कि यहाँ पर ही हमारी जीत हो जाती है, क्योंकि हम खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जोन में आ चुके हैं, हमको खुद समझ में आ गया कि हम करियर में क्या करना चाहते हैं, और उस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको इस फील्ड में आना है। दूसरी चीज़, हम अपने गोल को लेकर इतने सिंसियर हो गए हैं कि शायद हमारे दिमाग में इस वक्त वही सारी चीज़ें चल रही है, तो मुझे लगता है ये भी एक पॉजिटिव साइन है, एक गुड पैनिक वाला साइन है। अब बात आ जाती है कि मैम हम बॉर्डर लाइन पर हैं, हमारा जो रिजल्ट है क्या वो उस तरीके का नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमारा तो पूरा 6 महीने वेस्ट हो गया, अब क्या करेंगे, फिर जून में एग्जाम होगा, तैयारी कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोगों की JRF होने के जैसे कुछ कारण होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वैसे ही JRF नहीं होने के भी कुछ प्रोमिनेंट कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण जो मुझे लगता है वो होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को ये नहीं पता है कि किस समय पर कौन सा मूव लेना है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे लिए खड़ी हो जाती है। अब ये गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि आप कोई पेड कोर्स ले लो, मेरे लिए गाइडेंस का मतलब होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिकली अगर आप सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ वाली केस चल रही है। यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अश्योर वाली सिचुएशन में जाना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा खुद के लिए गोल सेट करना सीखोगे, क्योंकि आप अडल्ट लर्निंग वाले पोर्शन में हो, आपको कोई नहीं बता सकता कि ये करो वो करो वो करो वो करो, आप सभी लोगों को अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करनी होगी। और वो अवेयरनेस इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो आपने किया उसे रिपीटेडली करो, अपने अंदर रिलायबिलिटी लेके आओ, और जो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको करना तो था, आपने दिमाग में तो सोचा था पर वो एक्शंस में नहीं उतर पाया। जब भी कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी शुरू करता है तो हर बच्चे को पता होता है कि ये पाथ है, ये करना चाहिए। मानती हूँ 10% चीज़ें आपको नहीं पता होती कि भाई क्या करना है, इसी वजह से आप लोगों को मेंटर की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर हमारा काम है और वो काम मैं करूँगी या वो काम जो भी आपका मेंटर होगा वो करेगा। बट 90% बच्चे को पता होता है कि यार ये सही रास्ता है, यहाँ पे करना है, ये करना है, वो करना है, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक फीलिंग होती है ना कि यार नहीं यार, वो होता ना एक आलस कि मन में तो सोच लिया कि ये करना है बट हम वो कर नहीं पाते हैं।
मन में तो सोचा था कि यार इस वाले वीडियो को ना 3 बार रिवाइज करूंगा, पर दूसरी बार रिवाइज करते करते ही बीच रास्ते में लगा यार नहीं यार पढ़ तो लिया यार, दोबारा से कितनी बार इस चीज को देखूं। रिवीजन करते करते लगता है यार ठीक है ना नोट्स बना तो लिया, अब क्यों दोबारा से कॉन्साइज करूं इस चीज को। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हमारे विनर्स हैं और जो हमारे नॉन विनर्स हैं, क्योंकि मेरे लिए लूजर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जो बच्चा प्रिपरेशन करता है, तो मैं तो नॉन विनर्स ही बोलूंगी। जो बॉर्डर लाइन पर रह गए हैं या जो नॉन विनर वाली कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, मेरे हिसाब से दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस यही होता है कि जो मन में ठान ली है वो कर लेना। अगर आपने सीख लिया है, अपने एक्शंस पे काम करना सीख लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोगों को अगली बार कोई भी रोक पाएगा। तो मैं बस आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी आपकी जगह थी और जो सिचुएशन में आप हो इस वक्त मैं भी थी, बट शायद मुझे सही समय पर सही गाइडेंस मिली और उस गाइडेंस की वजह से जो भी थोड़ा बहुत कर पाई हूँ अपनी लाइफ में वो कर पाई हूँ, राइट। और वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप आपको देखनी होगी, आपको डेफिनेटली अपने अंदर वो चीज़ देखें। सेकेंडली, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आपके सामने हमेशा आपको मिलेगी, कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपके पेरेंट में से कोई हो सकते हैं। तो वो आपकी जो इंस्पिरेशन है ना, आपका जो क्यू है कि यार मैं क्यों ये चीज़ करना चाहता हूँ, आपको उसका गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो बच्चा मान लो 2 नंबर से या 2 क्वेश्चन से आज रह जाने वाला है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत क्लोज हो, इवन आप ही सबसे क्लोजेस्ट हो, ये तो आपको भी पता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने सिलेक्शन के ही नहीं, अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करने के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि आप बहुत पास आ गए हो। बस अब छोटा सा हेर फेर ये है कि क्या आप यहाँ पर क्विट कर देते हो और वापस लौट जाते हो और ज़ीरो पे आ जाते हो, या फिर आप यहीं से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो, क्योंकि अब आप ज़ीरो पे नहीं हो। जहाँ पर सभी बच्चे शायद पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ पर आप अपना रिविजन एक और बार शुरू करोगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, डोंट क्विट। सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे करते हैं यूजीसी नेट के करियर में, मुझे ऐसा लगता है वो ये कि मैम जॉब तो लग नहीं रही है, इस जॉब इस एग्जाम को पास करके डायरेक्टली तो कुछ मिल नहीं रहा है, कोई सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो फिर ठीक है ना हम कुछ और ही ट्राई कर लेते हैं, फिर वो देख लेंगे लास्ट महीने में पढ़ लेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अपने अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन जगाइए, अपने अंदर वो अडल्ट लर्निंग वाला पार्ट लेके आइए, और एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस की तरफ जाइए। वो गाइडेंस आपको सबसे ज़्यादा अपने आप से मिलेगी, अपनी सेल्फ स्टडी से, सेल्फ अवेयरनेस से, इज द वर्ड जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ, उससे मिलेगी, या फिर जो भी आप लोगों को लगता है 10%, 15%, 20% जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए किसी और का हो सकता है, आपको उसको लेना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि आपने जो डिसाइड किया है कि क्यों आप यूजीसी नेट कर रहे हो, आप उसे दोबारा से आज याद करो। आज का दिन या जब भी आपका रिजल्ट आने वाला है, वो दिन हम सब लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, जिनका हो गया है उनके लिए भी, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो ऑफकोर्स होगा ही। जिनका हो गया है ना, उनको अब आगे क्या करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा भटकना होता है, और ये चीज़ भी मुझे अच्छे से पता है। बट मैं भी बहुत लकी थी उस टाइम पे कि मुझे समझ में आ गया भी अगली बार क्या करना है, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने उसे ग्रेस्प कर लिया, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच के निकले थे आप वही करो और उसी में आप लोगों को ग्रोथ दिखेगी। आपको सिर्फ जर्नी पर फोकस करना है, क्योंकि रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से शायद आप बहुत कुछ अच्छा करोगे अपनी लाइफ में और आप ग्रो करोगे। तो तैयारी कभी वेस्ट नहीं होती। कैरेक्टर बिल्डिंग दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटीट्यूड या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो गाइडेंस की तरफ जाइए, अपने आप एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो किताबों में लिखी गई है वो सब सच लगने लगेगी अगर आप लोग थोड़ा सा चीज़ अपने सोचने के नज़रिए में फ़र्क लेके आओगे। तो आज बस ये छोटा सा चैट करने का मन था आप लोगों से, इसलिए ये सब वीडियो बना दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे पास में आपको मोटिवेशन देने के लिए बस यही चीज़ है, ज़ीरो पर आप नहीं आए हो और ना ही कभी आओगे, क्योंकि जिस बच्चे ने सिंसियर तरीके से तैयारी करी है, पढ़ाई करी है, वो अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है, सिर्फ समय समय का फ़र्क है। बट ये ज़रूर है कि अपने अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपने आप को सही गाइड करना है, अवेयर होना है, और एक ही चीज़ है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, एंड दैट इज़ योर अवेयरनेस। गुड लक।